बॉलीवुड के महानायक और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, ये दोनों अभिनेता एक साथ कई सारे फिल्मों में काम किए, लेकिन एक फिल्म ऐसा भी था जो फिल्म इन दोनों अभिनेता का आखिरी फिल्म बना। दरअसल वो कोई और फिल्म नहीं बल्कि वो फिल्म था नमक हराम। नमक हराम में राजेश खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आए थे। और फिल्म नमक हराम में एक सीन था जो कि राजेश खन्ना साहब आखिरी में मरते हैं और अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना साहब का बदला लेते हैं, लेकिन ये सीन अमिताभ बच्चन करना चाहते थे। राजेश खन्ना साहब का मानना था कि जो फिल्म के आखिरी में, या यूँ कह लीजिए जो पहले मरता है हीरो, तो उनका अभिनय का खूब मान सम्मान किया जाता है, खूब उनका फैन फॉलोइंग खूब बढ़ता है। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना साहब का ऐसा मानना था, लेकिन अमिताभ बच्चन चाहते थे कि हम वो सीन हम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय अमिताभ बच्चन नए नए ही इंडस्ट्री में आए थे और राजेश खन्ना साहब बॉलीवुड में अपना दबदबा बना चुके थे, और अपने जिद के आगे उन्होंने वो सीन खुद ही राजेश खन्ना साहब की। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुआ तब राजेश खन्ना साहब के रोल से ज़्यादा अमिताभ बच्चन के रोल के, या यूँ कह लीजिए अभिनय को सराहा गया, अमिताभ बच्चन को तारीफ किया गया। और राजेश खन्ना साहब इसी बात को लेकर नाराज होकर उन्होंने शपथ ले लिया कि अब मैं अमिताभ बच्चन के साथ कभी भी फिल्म में काम नहीं करूँगा। और फिल्म नमक हराम ही राजेश खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन का आखिरी फिल्म था। खैर, आप फिल्म नमक हराम देखे हैं या नहीं, आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। वैसे तो राजेश खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन के कई सारे किस्से हैं। जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन साहब आए तो अमिताभ बच्चन साहब ही राजेश खन्ना को टक्कर देते थे। और एक गाना है, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, उस गाने में अमिताभ बच्चन साहब सलवार सूट पहने थे, और जो सलवार सूट पहने थे तो राजेश खन्ना साहब मजाक उड़ा दिए थे कि भैया एक अभिनेता का मतलब ये नहीं होता है कि अपने अभिनय को गरिमा का मजाक उड़ाए, मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, फिर भी हम वो सीन नहीं करेंगे जो अमिताभ बच्चन किया है, ऐसा कहकर मजाक उड़ाया करते थे। क्योंकि उस वक्त अगर कोई टक्कर देता था तो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ही राजेश खन्ना साहब को टक्कर देते थे। वैसे राजेश खन्ना साहब वो अभिनेता थे जिनको देखकर अगर ये गाड़ी पर जैसे उतरते और गाड़ी छोड़ के चले जाते थे तो उनके गाड़ी को लड़कियाँ चुम्मा ले लेके लाल कर दिया करता था। यही नहीं, खून से खत लिखकर लव लेटर लड़कियाँ भेजा करती थी। ये भी किस्सा आपने सुना होगा। ऐसे तो राजेश खन्ना साहब के बहुत सारे किस्से हैं। खैर, आपको ये अनसुनी किस्से कैसा लगा आप हमें कॉमेंट में बताइए। और इसी तरह आप राजेश खन्ना, या यूँ कह लीजिए अमिताभ बच्चन या देओल फैमिली, कोई भी अभिनेता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम आपको कमेंट में बताएंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और भैया वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।